मोदी के शायद तीव्र रफ्तार से चल रही है। कुछ ही दिन बचे हैं जब हम इंग्लैंड में खोल रहे हैं। इंग्लैंड हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला कदम है मोदी केयर का विदेश जाने का। ये थाईलैंड नहीं, सिंगापुर नहीं, दुबई नहीं, पर इंग्लैंड काफी दूर है। और इसका भी एक बड़ा कारण है कि हम इंग्लैंड क्यों जा रहे हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग के लिए आई थी तो ये सारे फरंगिया में राज करके आ गए, मालिक बन गए हमारे। अब उनको सबक सिखाना है कि मालिक कौन है, क्योंकि उनके ही देश में, उनके ही कैपिटल में हम अपना हिंदुस्तान का झंडा गाड़ रहे हैं। बल्कि मुझे लगता है कि जितना मोदी केयर के सेंटर में पैसा डाल रहे हैं वहां पर किसी भी फिरंगी की औकात ही नहीं है। हमारा पहला सेंटर जो है छोटा सेंटर है, करीबन 5-6 स्क्वायर फीट का सेंटर है। हम करीबन उसमें कम पैसा खर्च कर रहे हैं, करीब 15 करोड़ रुपया डाल रहे हैं उस सेंटर में। मुझे लगता नहीं कि किसी दुकान में विधायक में 15 करोड़ तो लगेंगे डालने के क्षमता होगी। और ये सब कुछ पॉसिबल है आप लोगों के द्वारा, कि आप लोगों ने ये जरूर हमें, मुझे, मोदी की टीम को ये विश्वास दिया है कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आज हमारी कंपनी, आपकी कंपनी नंबर 3 पोजीशन पे है, तो किसी को आपको ये मत कहने दीजिए कि हम नीचे हैं। अगर वो जानना चाहते हैं ऊपर कौन है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बैलेंस शीट निकाल लें। दूध का दूध और पानी का पानी मिल जाएगा। पर मुझे ये भी उम्मीद है कि अगले 2 साल में आपके द्वारा आपकी कंपनी हिंदुस्तान में नंबर 1 कंपनी बनेगी। और नंबर 1 2 कारण से बनेगी। एक है टर्नओवर, वो इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि कितने करोड़पति बनेंगे, वो इम्पोर्टेंट। अब मैं चाहूंगा जितने लोग यहां खड़े हैं लखपति, करोड़पति और करोड़पति ज्यादा बने, क्योंकि अगर आपके सपने हैं और सपनों में लगे रहें तो सपना जरूर पूरा होगा।